हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, हरियाणा एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। और देखिए, डेली आपका 11 बजे से लाइव टेस्ट चलता है, उसको जरूर ज्वाइन किया करें, डेली 11 बजे, ध्यान रखिएगा रात को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है बहाव, नदी, स्थिर, और नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, नदी में बहाव होता है, ठीक है। तो स्थिरता किस में होती है? स्थिरता आपकी तालाब में होती है, ठीक है। वर्षा, नहर, सरिता इनमें तो नहीं होती ना, तो तालाब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के एनालॉजी के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका पता नहीं किस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट तो देख लेते हैं इसको। यदि राम का घर अर्पित के घर के दक्षिण में स्थित है, यानी कि देखिए अर्पित का घर मान लीजिए यहाँ पे होगा तो दक्षिण में राम का घर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें बोला जा रहा है और मनीष का घर अर्पित के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर मनीष के घर से किस दिशा में स्थित है? तो सबसे पहले हम छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं जिससे थोड़ा पता चल जाए। देखिए, यहाँ बोला गया राम का घर अर्पित के दक्षिण में है, तो अर्पित का घर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके दक्षिण में आपका राम का घर हो जाएगा, तो अर्पित के दक्षिण में राम का घर। और यहाँ पर फिर बोला जा रहा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, दक्षिण में स्थित है और मनीष का घर अर्पित के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो अर्पित का पूर्व कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, तो अर्पित के पूर्व में मनीष का घर हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा वेन डायग्राम बन जाएगा। ये आप सारी दिशाएं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो एक बार वेन डायग्राम को रोक करके इसको देख लीजिए डायग्राम को, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है तो राम का घर मनीष के घर से किस दिशा में स्थित है? देखिए, राम का घर पूछा जा रहा है मनीष के घर से, तो जब भी जिसका नाम लेके पूछा जाएगा जिसके घर से, तो उसका घर को हम मान लेंगे बीच में, यानी कि ये मनीष का घर जो है वो यहाँ पे है। और पूछा जा रहा है राम का घर मनीष के घर से किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा में आ जाएगा ना, तो दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि मनीष के घर से राम का घर पूछा तो मनीष का घर हमने यहाँ पर मान लिया, पूछा जाता अर्पित के घर से तो अर्पित का घर यहाँ पर होता तो राम का किस दिशा में हो जाता? दक्षिण दिशा में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता राम के घर से तो राम का घर बीच में होता, यानी कि यहाँ पर मान लेते राम का घर, और मनीष का पूछा जाता तो ये आपका उत्तर पूर्व हो जाता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पे आपको बताना है। तो इससे पहले सब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे पूरा का पूरा सोल्व हुआ है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम देखेंगे इसमें चल क्या रहा है। देखिए, अगर मैं देखूं यहां पर चारतिया 12 तो यहां पर 12 लिखा है, ठीक है। पांतिया 15 तो यहां पर 15 लिखा है, ठीक है। 6 5 30 तो यहाँ पे 30 लिखा है, 6 4 24 तो यहाँ पे 24 लिखा है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा, 7 2 14 तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे बाकी चेक भी कर सकते हैं, 7 3 21, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे 14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है बेमेल पद का चयन कीजिए। तो इसमें से आपका कौन सा अलग होगा, ठीक है, बेमेल कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो एक ही सिस्टम को फॉलो करते होंगे, बट जो 4th होगा वो कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल, मेमोरीज, एराइज, यूनिवर्सिटी, तो इसमें अलग क्या है? अलग है इसमें मेमोरीज, बिकॉज ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं आपका वोवेल से, और ये स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। ओरिजिनल आपका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ओ,
फिर एराइज आपका ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी आपका यू से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, और ये मेमोरीज है आपका एम से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीरीज कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है, डी एच एल पी टी एक्स, नेक्स्ट क्या आएगा, तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, देखिए एक बार ट्राई करके इस क्वेश्चन को। यहाँ सभी में आपका प्लस फोर चल रहा है, ठीक है, डी में प्लस फोर करेंगे एच, एच में प्लस फोर तो एल, एल में प्लस फोर तो पी, पी में प्लस फोर तो टी, टी में प्लस फोर तो एक्स, और एक्स में प्लस फोर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए जेड, फिर ए और बी आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई जेड और फिर ए और बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इस सीरीज को देखिए ट्राई करके, 4, 8, 14, 22 और नेक्स्ट आपको बताना है, तो 4, 8, 14, 22 इसमें देखिए प्लस फोर प्लस, फिर नेक्स्ट सिक्स हो रहा है, ठीक है, तो प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, प्लस टेन करेंगे, तो प्लस टेन करने से आपका क्या बन जाएगा, 22 का ये बन जाएगा 32, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो इस टाइप से आपको पैटर्न भी पता चलता रहेगा और प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपके कवर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष से, और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बहुत सारे आपको कवर करा चुका हूं, तो इसमें देखते हैं क्या है। कथन दिया गया है, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है। सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको कोई मोबाइल घड़ी नहीं है शो करना है और सभी घड़ियां गणक हैं, तो इसको क्या करना है, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक मोबाइल का वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी और मोबाइल के बीच में नहीं का रिलेशन बताया गया, तो कोई मोबाइल घड़ी नहीं है तो इसका मतलब आपका घड़ी और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, दो अलग अलग वेन डायग्राम आप शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़िए और उसमें क्या लिखा है, सभी घड़ियां गणक हैं। अब ये मत सोचिएगा यहाँ पे ये घड़ियां और गणक का क्या मतलब हुआ, बट यहाँ पे देखिए सभी घड़ियां गणक हैं तो आप घड़ी के वेन डायग्राम को जो आपने अभी बनाया था उसको कंप्लीट कवर कर देंगे, ठीक है ना, तो ये सभी घड़ियां गणक हो गई है, तो ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। मोबाइल और घड़ी के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, गणक और यहाँ पे मोबाइल के बीच में कोई बात बताई नहीं गई है, तो इनके बीच में रिलेशन अगर है का बोला जाएगा वो भी नहीं होगा, अगर इनके बीच में रिलेशन नहीं का बोला जाएगा तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज इनके बीच में कोई भी रिलेशन बताया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं निष्कर्ष क्या क्या निकले हैं। निष्कर्ष है आपका कोई गणक मोबाइल नहीं है, तो कोई गणक मोबाइल नहीं है इसका मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, गणक और मोबाइल के बीच में मैंने आपको बताया कि कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोई भी गणक मोबाइल नहीं है, क्या पता, मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करूँ आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे भी तो बन सकता था ना वेन डायग्राम, तो इसमें क्या आता, कुछ मोबाइल गणक हो जाते, तो कोई भी मोबाइल गणक है या कोई भी मोबाइल गणक नहीं है तो ये हमारा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो कोई गणक मोबाइल नहीं है तो ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा है कि कुछ गणक मोबाइल है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो चुका है, अगर यहाँ पे होता कोई गणक मोबाइल नहीं है और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है आपका निष्कर्ष है वो गणक और मोबाइल के बीच में ना होके किसी और के बीच में होती तो वो आपका राइट आंसर हो जाता, मतलब कि वो दूसरा हो सकता था, ये तो रोंग हो ही गया था, बट अभी हम इसको भी रोंग नहीं कर सकते और सेकंड वाले को भी रोंग नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बीच में रिलेशन तो नहीं बताया गया, बट एक बार नहीं का रिलेशन बताया गया और एक बार है का रिलेशन बताया गया, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि या तो आपका पहले वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें बातें वही बोली जा रही है, कोई गणक मोबाइल नहीं है और कुछ गणक मोबाइल है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं बताया जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है मोबाइल कुछ गणक मोबाइल है, तो इसका मतलब या तो निष्कर्ष वन होगा या निष्कर्ष सेकंड होगा। ये वाला ऑप्शन जो होता है ना डी वाला, ये बहुत ही कम क्वेश्चन में अप्लाई होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा जब किसी के बीच में रिलेशन ना हो और उनके बीच में एक बार तो नहीं का रिलेशन बता दिया जाए और एक बार है का रिलेशन बता दिया जाए, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, या तो निष्कर्ष वन होगा या सेकंड वाला सही होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, इसमें बोला जा रहा है पेंसिल रबर एवं स्टेशनरी के संबंध को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेंसिल, रबर और स्टेशनरी, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और यहाँ पे जो पहले वाला वेन डायग्राम है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को अलग अलग शो कर रहा है, ये कुछ वाली कंडीशन बता रहा है। तो कभी भी यहाँ पे कुछ रबर पेंसिल और कुछ पेंसिल रबर नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर सी को भी छोड़ते हैं। अगर डी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ वाली और एक चीज़ को अलग बता रहा है, तो अलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों चीज़ रिलेशन में है, यानी कि ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी राइट आंसर बच गया मेरा। इसका रीज़न क्या है? देखिए, पेंसिल और रबर दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दोनों की दोनों कहाँ पे मिलती हैं? स्टेशनरी पे मिलती हैं। तो इसका यही रीज़न है कि ये राइट आंसर हो जाएगा, पेंसिल और रबर, और ये दोनों के दोनों आपका कवर हो जाएंगे किससे? स्टेशनरी से, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेशनरी पे मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी अभी तक क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्वेश्चन मार्क का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये आपको बताना है। तो इसको कैसे पता करेंगे? देखिए भाई, ए डी जी जे एम पी नेक्स्ट आपको बताना है। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस है आपका +3 का चल रहा है, ठीक है? तो ए आपका पहले पे आता है, डी 4 पे आता है, यानी कि +3 करेंगे तो ये आपका डी हो जाएगा, +3 करेंगे तो जी हो जाएगा, +3 करेंगे तो फिर आपका जी हो जाएगा, +3 +3। आप इसी तरीके से +3 +3 करेंगे तो पी में +3 करेंगे तो आपका एस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए, यहाँ पे भी आपको बताना है। देखिए, जैसे बुध ग्रह, चंद्रमा, नेक्स्ट आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे बुध एक ग्रह है आपका, तो चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा? ये उपग्रह हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपग्रह। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो डिजाइन ये है वो ये है वो ही ये है, बट एक एक डिजाइन बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करेंगे तो एक एक डिजाइन बढ़ता हो जा रहा है। इसका मतलब है आपका इससे यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक डिजाइन और बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दो डिजाइन हो जाएंगे। तो ये आपका दो डिजाइन, बस ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से यहाँ पे दो डिजाइन बढ़ेंगे। तो ये आपका ए ऑप्शन, ये यानी कि ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। ये दो डिजाइन है इसमें, क्योंकि ये डिजाइन अलग है, तो ये सॉरी 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 ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है त्रिभुज बना हुआ है और इसमें त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मैं इसको देखना भूल गया था, क्योंकि इसमें त्रिभुज भी है, ठीक है? तो ये वाला आपका यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसको एक बार ट्राई करके देखिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में भी करेंगे, ठीक है? तो इसका लास्ट क्वेश्चन लिख के आप आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए मैं बता देता हूँ, बट एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। वीडियो को रोकिए अभी और इसको ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे पता चलता है कि कितने बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है? और इसको मैं ही बता देता हूँ। देखिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? 3 की 5 और 5 की 2 में, ठीक है? 5 15 15 2 30, तो यहाँ पर 30 आ रहा है। 2 9 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो 6 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 की 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 96 हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।